किसान मजदूर एकता मोदी सरकार दे काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने सरला तो योधे हो तुसी सारे बधाई दे पात्र हो क्योंकि एडा वड्डा मोर्चा खास करके साडे नौजवान बधाई दे पात्र आ कि जिहड़े जोश के नाल नाल होश तो भी काम लै रहे आ और ये संतराम उदासी जी दी लाइन मैं जो गा रहा सी तो यह लगता जिवें इस मोर्चे लिखे हो क्योंकि ये जिहड़ियां बड़े बड़े ढनाटा के नाल किरतियां की मजदूरों की लड़ाई है किसानों की लड़ाई है ये पहला तो चलती आई है ये अज की गल नहीं हमेशा ही जी उपरली जमात आ उन्हें कोशिश की आ नीवियां नूं दबाउण दी तो यही गल्लां भाजपा ने कीतियां सी कि संपूर्ण स्वराज की स्थापना कि इको जिहा समाज होवे कि लोग ऊंच नीच जात पात खत्म होवे पर मैनूं लगता भगत सिंह होरां ने करतार सिंह सराभे होरां ने ऊधम सिंह होरां ने कुरबानियां दे के वह गोरे अंग्रेज तो साढ़े चो कढ़ते पर ये काले अंग्रेज साढ़े ते आ के बह गए। सो जिहड़ा सारे ही साड़ी मिट्टी आ साडा भारत है वो ये दो तीन जिहड़े ढनाड परिवार आ उन्हां नूं सब कुछ ही देण नूं फिरदे आ क्योंकि काफ़ी कुछ तो पहले ही दे चुके आ फिर ये लॉकडाउन ने इन्हां दी निगाह साडी मां ते लिया दी क्योंकि सारे बिजनेस लॉकडाउन च फेल हो गए और एक खेती का बिजनेस या खेतीबाड़ी आ जिहड़ी लॉकडाउन च भी फायदे च सी। सो ये ढनाडा की निगाह साडी धरती मां ते आ गई साडियां जमीनां ते आ गई भी इन्हां नूं भी हथियाओ पर इन्हां नूं पता नहीं कि असीं अपनी धरती नूं अपने खेतां नूं मां दा दर्जा दिंदे आ। सो इन्हां ने मत्था गलत जगह ते ला लिया। सो हुण अज मैं सवेरे सवेरे ही एक फोन दे उत्ते फेसबुक ते किसी ने बड़ी वधिया एक फोटो बनाई हुई सी दोनों की फोटो सी मोदी जी की अमित शाह जी दोनों आए करी बैठे आ थले लिखा होया सी भी जब पेपर च मुस्लिम ते हिंदू पढ़िया होवे ते परचे च सरदार आ जाए फिर की करिए। सो हुण परचा गलत पासे पा लिया इन्होंने। सो हुण बैठे पछताउंदे आ पर हुण एड्डी ज्यादा आ भी धौण चों कीला नहीं निकल रहा पर थोड़ा जिहड़ा कठ आ थोड़ा जिहड़ा जोश आ ये थोड़े दिन की गल आ ये कीला निकल के गया और मैनू मुंडे जिहड़े साडे इन्हां ने मत्थे दे उत्ते नशेड़ी होण दा कलंक लाया सी जिहड़े इस मोर्चे ने सब तो पहला ओह धोया जिहड़े बछाड़ा झलदे अथरू गैस के गोले झलदे पुलिस दीआं लाठियां झलदे इत्थे पहुंचे आ वह मैनू ढोलां दे उत्ते भंगड़े पाउंदे जांदे दिखदे एक कानून ये बहुते दिन नहीं रहने। और मैं तो यही कहूँगा कि जिहड़ियां मावां साडियां पंजाब दे विच बैठियां वो दीवियां दे विच तेल पा के रखण क्योंकि पहली दिवाली तो साडी इह कालियां कानूनां च ही लंघी जिद्दां इह कानून साडे रद्द हो गए असली दिवाली किसानां ने उद्दण मनाउणी आ पंजाब च। और आतिशबाजी उद्दण होणी आ। सो इस मोर्चे दीआं बहुत सारिया प्राप्तियां जिहड़ियां मैं अपने निगाह दे नाल देखदा हुण तक ऑलरेडी ये मोर्चा कर चुके आ जिहड़ा पहला तां नशे वाला कलंक धोता गया साडे तों इन्हां ने एडे नशेड़ी नशेड़ी कह के आ मुंडे खड़े आ जिन्हां ने अपने डौलियां दे नाल इन्हां दीआं क्वांटलां दीआं रोकां चक चक सड़कां तों परे मारियां और इन्हां दे अथरू गैस वाले गोले अपने हत्थां दे विच फड़ के इन्हां वल नूं सिड़ते। सो ये इन्हां नूं नशेड़ी लगदे सी। सो फिर सरकारा का काम हुंदा लीडर का काम हुंदा आपस लोगों लड़ा के अपन कुर्सियां पक्कियां करते हैं इस कारण करके इन्होंने पंजाब नूं भी सूबे तो एक सूबियो बनाता। सो वो जिहड़ी एकता इस मोर्चे ने कायम की है साडे हरियाणे वाले भरा साडे नाल खड़े आ राजस्थान वाले आ गए सो सारिआं दीआं जफ्फियां पईआं। सो ये इस मोर्चे की प्राप्ति है। और जिहड़ा भाई कन्हैया का इतिहास असीं दोहराया साडे मुंडिआं दे उत्ते जिहड़ी पुलिस ने लाठियां चलाईआं
अथरू गैस के गोले सीटे बछाड़ा मारिया उन्होंने जफ्फियां पा पा के असी लंगर छकाया। सो यह दुनिया देख रही है सरदारा का किरदार, ये किसानों का किरतियां का किरदार कि किड्डे किड्डे इन्हों के दिल आ। सो एडा वड्डा साडा जिहड़ा किरदार आ दुनिया के निकल के जा रहा और इंटरनेशनल पद्धर से इन्हों की बेइज्जती हो रही है और मैनू लगता छेती इन्हों की नींद जिनी छेती तोड़ लैणगे ये कुंभकर्ण की नींद चो उठ जाएंगे उन्नी इस बेइज्जती चो बच जाएंगे। नहीं तो जो इन्हों लगता जे हले भी हेकां ठोक ठोक ये बिलों की तारीफ ही करी जाते हैं। सो ये मोर्चे को एडा नज़रअंदाज करी जाते हैं जिमें कुछ हो ही नहीं रहा। सो मैं कहना चाहवा ये किसी पोलीटिकल पार्टी का इकट्ठ नहीं, ये आम लोगों का इकट्ठ आ जिहड़े आप मुहारे निकल के आए हैं और इन्होंने इन्होंने सिर तो लै जाएंगे पर यह कानून रद्द कराए बिना इन्होंने मुड़ना नहीं। साडियां मावां बैठियां क्योंकि साडा इतिहास ये है कि ये वो मावां दियां बेटियां ने असी उन्हां सूरमे शहीदां दे पुत्तर हाँ जिन्हां दी पहला मैं संत राम उदासी जी दियां सत्रां च गल कीती सी, वो मतीदास होरी, वो भाई तारू सिंह होनी, भाई दयाले होरी और मावां साडियां जिन्हां ने हसदे हसदे अपने बच्चों के टुकड़े अपने गलों के पवा ले बछाड़ा तो ये अथरू गैस तो डरन वाले है नहीं। और फिर भी मैं यही कहना कि जेडे चंगे लीडर होंगे आ चंगे शासक होंगे वो अपनी जनता नूं अपने लोगों के क्योंकि जेडे इत्थे लोग बैठे है लखां हजारां च और कई लखां दा इकट्ठ आ कोई दो चार हज़ार बंदा नहीं बैठा इत्थे और मैं समझना सब तो पहला इन्हां दी गल सुननी चाहीदी आ और सियाणा लीडर उही हुंदा जिहड़ा सब तो पहला अपने जनता की गल सुणदा क्योंकि तुहाडियां वोटां दे नाल ही ये लोग बणे होए आ ये कोई रब तों तां डिगे नहीं। और मैं समझ नहीं आती इन्हों की दोगली नीति कदे तो कहते हैं करोना बहुत आ है बंदे दस भी ना कट्ठे हो और इतने लखां लोग बैठे आ और इस फिर जे एडी क्यामत आ इस करोना की इन्ने डरते हैं ये तो इन्हों होर कि जरूरी काम आ जो तरीक से तरीक दई जाते हैं पहल के आधार पर इस मसले को हल क्यों नहीं करते जो साडे छोटे छोटे बच्चे साडियां मावां साडे बजुर्ग अपने घरां दे विच जा के चैन की नींद सौण किहदा दिल करदा इत्थे बैठण नूं पर इन्हां दी हले नींद नहीं खुल रही और महाराज इन्हां नूं समत देवे किते नहीं तां इह जिहड़ा जोश जिहड़ा जनून पंजाब की जवानी च बजुर्गां च साडियां मावां दे विच आ इह किते इस सरकार दे पतन दा कारण ना बण जाए। सो बथेरे हथ कंडे इन्हां ने अपना अपना आप देख ले पहला कहते जी ये किसी पार्टिया ने कट्ठे किए हुए ये किसान नहीं है इन्होंने कोई मोबाइल बड़े बड़े महंगे आ गड्डियां बहुत महंगा ने मैं समझ नहीं आती है किसानों की तस्वीर कि देख रहे हैं कदे कहते इन्हों बिल पढ़ावे वो ये डिग्रिया वाले मुंडे आ इंजीनियरिंग कर करके भी खेतीबाड़ी कर रहे ये पी एच डी कर करके भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं इन्हों तुसी की पढ़ाओगे और किसानों कहते जो मोबाइल चजदा आ गया पता नहीं किहड़े किसान देखी जाते हले तक हो जिसे को चजदा मोबाइल आ वो किसान नहीं हो सकता। सो ये होछियां गल्लां कदे कहते जी ये अतवादी सो कुछ लाइन मैं हो याद आ रही अन्नदाते ने करता जद चैलेंज बेईमानां नूं ओ अतवादी अतवादी लग गए कहण किसानां नूं अन्नदाते ने करता जद चैलेंज बेईमानां नूं भई अतवादी अतवादी लग गए कहण किसानां नूं ओ हक्कां दे लई लड़दे हक्कां दे लई लड़दे जे गल आ गई अणखां ते जो हथ गले नूं पैंदे ने तेरे हथ तोड़ देंगे ओ जान 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 साडे ते चढ़ चढ़ आवें दिल्लीए नी असी नक्के मोड़ नवारे आ तेरा नक मोड़ देंगे जान जान साडे ते चढ़ चढ़ आवें दिल्लीए नी ओ असी नक्के मोड़ नवारे आ तेरा नक मोड़ देंगे। होछियां चाला कदे अतवादी कहना कदे किसी पार्टी का कट कहना यह हूँ चलिया नहीं पर मैं लगता गोडिया भारत हम आ गए घट्टो घट ये तो मन लग गए भी ये किसानों का इकट्ठ है और असं सौदा करने तैयार हाँ पर साड़िया जथेबंदियां मैं सारे जथे भारतीय किसान यूनियन प्रोग्राम और सारिया जथेबंदियां मैं
ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1789 ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸੋ 1789 ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਲਹੂ ਕੀਣੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਉਹ ਰੁੱਸੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਸੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕਾ ਥੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਲੋਕ ਦਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਲੋਕ ਦਾਦਾ ਓਏ ਗੱਜਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ ਕੈਰ ਸੱਪੇ ਗੱਜਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ ਕੈਰ ਸੱਪੇ ਰੱਜਣਗੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਾਗੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਾਗੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਮਾਰਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਮਾਰਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰ ਲੋਕ ਤਾਦਾ ਸੱਕੂ ਕਿਹੜਾ ਰੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕ